श्रद्धालुओं के साथ रेप, हिंदुओं पर हमला, नूह हिंसा के बाद अफवाहों को रोकने की कोशिश में पुलिस। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने हर घर तिरंगा रैली को दिखाई हरी झंडी, कई केंद्रीय मंत्री हुए शामिल। कोटा में एक और 17 साल के छात्र ने की आत्महत्या, हफ्ते भर में 3 छात्रों ने दी जान। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन पर आज सोनिया गांधी ने बुलाई बैठक, सभी कांग्रेसी सांसदों को मौजूद रहने का आदेश। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर अतिथि रहेंगे चीन बॉर्डर पर स्थित 652 गांव के सरपंच, वाइब्रेट विलेज पर जोर दे रही सरकार। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के नाम पर विचार के लिए हुई बैठक, अगले महीने पाकिस्तान लौटेंगे नवाज शरीफ। नूह में एक बार फिर निकलेगी हिंसा की वजह से अधूरी रह गई ब्रजमंडल यात्रा, बीएचपी बजरंग दल ने तारीख भी तय की। अमेरिका को भी पसंद नहीं था इमरान खान, सरकार गिराने की रची थी साजिश, लीक दस्तावेज में बड़ा खुलासा। भगोड़े नवाज शरीफ लौट रहे पाकिस्तान, बनेंगे प्रधानमंत्री, शहबाज शरीफ की चुनाव से पहले भविष्यवाणी। आडवाणी ने की थी चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले पैनल में सीजेआई रखने की मांग, पक्षपात का किया था जिक्र। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।